हेलो प्रणय, नमस्कार। आज मैं बेसन के लड्डू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बेसन के लड्डू मैंने घर ही में बनाए हैं, पहली बार बनाए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था बनाते पे, बट बहुत अच्छे बन गए। इसके लिए हमने जो है 2 बाउल बेसन लिया है और 1.25 बाउल के करीब हमने देसी घी लिया है। अब इस बेसन को हम घी में अच्छी तरीके से मध्यम धीमी आंच पे हम इसको भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने घी गरम करके उसमें बेसन डाल दिया है। बेसन थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, बट ये जब भून जाएगा तो घी छोड़ देगा और उस समय फिर इतना सूखा नहीं लगेगा। इसको हम बहुत धीमी आंच में भूनते समय इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी कच्चा रह गया तो वो लड्डू खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और अगर थोड़ा तेज आंच कर दी तो वो बेसन हमारा जल जाएगा, सौंधापन नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसको मध्यम धीमी आंच में इसको भूनेंगे। भूनने की ही इसकी कलाकारी है। अगर बेसन हमारा अच्छा भूनता है तो लड्डू बहुत टेस्टी बनता है। इसको फ्रेंड हम चलाते हुए इसको भून लेंगे। और ये देखिए बेसन ने घी छोड़ दिया है। बेसन हमारा कितना गीला लग रहा है। और इसके लिए मैंने चीनी को घड़ी में मिक्सी में पीस लिया है। चूँकि थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने बाज़ार से बूरा नहीं मंगाई है, टेस्टिंग है ये। और पीस के इसको मैं इसके अंदर मिलाऊंगी। ये फ्रेंड देखिए, हमारा बेसन जो है हमने निकाल के उसको ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद में इसके अंदर बूरा और मैंने थोड़े से बादाम क्रश कर दिए हैं, वो डाल दिए हैं। अब इसको डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसको जितना अच्छे तरीके से मिलाएंगे उतना ही बढ़िया हमारा लड्डू बनेगा। इसको हाथों से रब करते हुए बेसन और चीनी को हम अच्छी तरीके से हथेलियों की सहायता से इसको रगड़ेंगे तो घी एकदम से बिल्कुल एक सा हो जाएगा और लड्डू एकदम बढ़िया बनेगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कर लिया है। और अब मैं धीरे धीरे करके दोनों हाथों की सहायता से लड्डू को थोड़ा थोड़ा दबाते हुए गोल गोल करूँगी। और इसको हथेली और उंगली के बीच में थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ता है जिससे कि लड्डू हमारा एकदम चिकना हो जाए। चूँकि ये महीन बेसन है तो इसका लड्डू, मैंने दानेदार बेसन नहीं लिया है, मोटा बेसन नहीं लिया है, महीन बेसन है ये, इसका लड्डू थोड़ा चिकना ही बनेगा। ये देखिए फ्रेंड, लड्डू बन गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे लड्डू बन गए, बहुत यम्मी लड्डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।